नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। अभी आप लोगों को देखा होगा कि सीआरपीएफ में जो वैकेंसी आई थी ट्रेडमैन की, उसमें आपका जो एज था, एज से रिलेटेड कुछ बच्चों ने इशू था कि हमें लास्ट चांस है, कई सालों से सीआरपीएफ ने मौका नहीं दिया है वैकेंसी में, और अच्छा खासा पोस्ट था, टोटल 9000 प्लस पोस्ट था, और एज के जो लास्ट स्टेज पर बच्चे थे जिनसे मतलब एज खत्म हो गई थी, वो सोच रहे थे कि काश एक साल रहा होता तो हम इस फॉर्म को भर दिए होते, और कई समय बाद, काफी अंतराल के बाद ये वैकेंसी आई है, तो इसको लेकर बच्चों ने केस किया था, उसी पर रिट डाली गई थी, तो वहीं पर उसी का दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा जो जवाब दिया गया है, और यहां पर 3 साल की छूट भी दी गई है, उसी पर नया नोटिफिकेशन भी निकाला गया है, उसको भी मैं दिखाऊंगा आपको कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो चलिए एक नजर देख लेते हैं। सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा, जो लोग भी बच्चे नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जो भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो वैकेंसी से रिलेटेड चाहे किसी जॉब से रिलेटेड, वो नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। जिन भी बच्चे को सीआरपीएफ की तैयारी करनी है ट्रेडमेंट की, तो इसका पूरा का पूरा अगर देखोगे आप तो एसएससी के पैटर्न पे चलता है। तो ये हमारे यहाँ जो फाउंडेशन बैच है सुबह से चलता है एसएससी का, वहां पे आप पढ़ सकते हो, निशुल्क है, कोई भी कॉस्ट नहीं देना है, और उसी ट्रेंड को सीआरपीएफ भी आपको फॉलो करेगा, तो उसमें आपको काफी फायदा मिलेगा। देखते हैं क्या हुआ है। देखो यहां पे बोला है कि अधिकतम उम्र सीमा को पार कर चुके, ये आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा तो मैं थोड़ा सा इसका ब्राइटनेस कम कर दूं, ठीक है, इसको ध्यान में देखिए। बोला अधिकतम उम्र सीमा को पार कर चुके देशभर की युवाओं को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ में नौकरी पाने के अवसर मिलेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की सीआरपीएफ भर्ती परीक्षा में अधिकतम उम्र सीमा 3 साल बढ़ाने का आदेश दिया है। कितना? 3 साल बढ़ाने के लिए आदेश दे दिया। अब यहां पर देखो, जस्टिस सुरेश कुमार कैत और मनप्रीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने केंद्र रिजर्व पुलिस बल में सिपाही, तकनीकी और ट्रेडमैन की भर्ती 2023 के तय उम्र सीमा पर करने वाली युवाओं की ओर से दाखिल याचिकाओं का निपटारा करते हुए ये आदेश दिया है। जो बच्चे याचिका दायर किए थे उस पर इन्होंने ये आदेश दिया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिकतम अजय गर्ग ने हाई कोर्ट को बताया कि कोरोना और अन्य कारणों से वर्ष 2018 से 22 तक सीआरपीएफ की भर्ती नहीं निकाली गई थी। तो मैं कंक्लूजन ये बता रहा हूं कि कुछ बच्चे जो परेशान हैं, खासकर यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेकर, कि मेरी एज जा रही है और कब से ये बोला जा रहा है कि वैकेंसी आ रही है, आ रही है, आ रही है, कहां आ रही है, कहां लटक गई कुछ पता नहीं है। लेकिन इन बच्चों का क्या होगा जो लास्ट स्टेज पर हैं, जो सोच रहे थे कि इस बार कांस्टेबल में लास्ट में चांस है और उनकी एज निकल गई, तो उनके लिए कुछ ना कुछ ये होप है कि अगर आप कोर्ट में रिट्स दायर करोगे, अपनी समस्याओं को बताओगे कि इतने साल से इतने साल के बीच में कोई वैकेंसी नहीं आई है, तो जाहिर सी बात है कोर्ट आपके फेवर में फैसला सुनाएगा, जैसे सीआरपीएफ में हुआ है ट्रेडमैन के साथ। तो एकदम होपलेस नहीं होना है। कुछ बच्चे जो बोल रहे हैं कि वैकेंसी नहीं आएगी तो हम लोग उम्र से बाहर हो जाएंगे, फिर हमें मौका नहीं मिलेगा, एक होप दिख रहा है कि ऐसा करने से हो सकता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी एज रिलैक्सेशन मिल सके, यहां तक जो चांस बन रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग को, आपको मैं वो नोटिस दिखाता हूं जो सीआरपीएफ ने जारी किया है, इसके बाद से जैसे कोर्ट का फैसला आया था तो जो आपका नोटिस जारी हुआ वो ये रहा। देखिए इसमें देख दिया गया पूरा बकायदे, इन द लाइट ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट दिल्ली जजमेंट, ठीक है, दिल्ली जजमेंट ये 6/4/2023 ऑन रिट्स पेटिशन, इतना 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 इतना, ठीक है। उसके बाद से बोला है यहां पर कि आपका पहले क्या था, देखो अब फॉर्म का डेट भी एक्सटेंड कर दिया गया, पहले 25/4/2023 था लास्ट डेट, अब जो है आपका 2/5/2 तक कर दिया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लास्ट डेट भी आपकी फॉर्म की बढ़ चुकी है, जिन्हें भी भरना हो और जिनको एज में छूट मिला भाई उनके लिए तो बल्ले बल्ले। पहले कांस्टेबल ड्राइवर की जो एज थी 21 से 27 साल थी, अब वो बढ़ के 21 से 30 साल हो गई है। 3 साल आपको क्या दिया गया है, इंक्रीमेंट दिया गया, रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। उसके बाद से यहां पर जो डेट की क्राइटेरिया थी वो चीजें चेंज हो गई है उसके अकॉर्डिंग। आ जाओ अगला दिखा देते हैं आपको, जो कांस्टेबल में और कांस्टेबल में जो ट्रेड के ये थे, बगलर, गार्डनर, ब्रास बैंड, ट्रेलर, कारपेंटर, इन सब का जो पोस्ट था, इसमें जो एज था 18 से 23 साल तक था, ठीक है, इसको भी बढ़ा के 18 से 26 साल कर दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। और चीजें क्या है,
हाँ यहाँ पे देखिए, उसके बाद से आपको बोला गया कि फॉर्म की जो लास्ट एप्लीकेशन फॉर्म की वो 2/5 कर दी गई है, ये ध्यान रखिएगा। और कुछ नई वैकेंसी जो थी, एक तरह से बोला जाए कुछ पोस्ट उसी एडवर्टीजमेंट में 15/3/2023 वाले एडवर्टीजमेंट में शामिल किए गए हैं, कॉन्स्टेबल डेफ्ट्री का, प्योन का, फरस का और सफाई कर्मचारी मिनिस्ट्रियल का, ठीक है। ये 148 पोस्ट और दिए गए हैं इसी के, इस 148 पोस्ट के लिए जो जो एलिजिबिलिटी चाहिए, किसके लिए एज जो चाहिए वो दे दिया गया है कि नॉट एक्सीड 28 साल, ठीक है। 28 साल से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। इन जो एक्स्ट्रा पोस्ट आपको दिया गया है उसके बारे में यहां पर डिस्कस किया गया है, ठीक है। उसके बाद से अगर हम बात करें, यहां पर देखो ये हाइट और उस इसी उसके लिए देखो, ये जो आपका नया पोस्ट है ना उसमें के लिए कैंडिडेट का यहां पे हाइट हो गया, वो सब कीजिए, क्या चाहिए, हाइट चाहिए कैंडिडेट क्या, यहां पर ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट, हाइट और चेस्ट जो होगा, ये जो पोस्ट आई है पहले के लिए नहीं, जो अभी रिसेंट में 148 पोस्ट जोड़ी गई है उसके लिए ये आपके क्राइटेरिया दी गई है, तो उसे आप लोग नोटिफिकेशन से देख लीजिएगा। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल जो परीक्षा प्लस का है उसमें डलवा दूंगा, आप लोग वहां से डिटेल देख लीजिएगा। मेन मुद्दा वो था कि आपका एज रिलैक्सेशन जो 3 साल का है वो आपको दे दिया गया है, जो बच्चों की डिमांड थी वो बच्चे को डिमांड को देखते हुए कोर्ट ने फैसला सुनाया है, उनके फेवर में फैसला सुनाया है। और मेन मकसद मेरे आने का यही था कि जो बच्चे यूपीपी कांस्टेबल की तैयारी में लगे हुए हैं, लास्ट स्टेज पर हैं, तो ये मैं नहीं कहूंगा कि आप अपनी तैयारी छोड़ दो, ये हार मान जाओ कि मुझे मौका नहीं मिलेगा। हाँ पढ़ते रहो, ठीक है पढ़ते रहो, हो सकता है कि जब आपके ही साथ के कई बच्चे एक रिट्स डायर करेंगे कोर्ट में तो कोर्ट कुछ आपके फेवर में ही फैसला सुनाएगा, जैसे हमें यहां पर देखने को मिला है। जो भी और नई जानकारियां हमें मिलती रहेंगी हम जरूर आपके सामने साझा करेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत कोई समस्या है तो आप इस वीडियो के कमेंट में अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं, टीम पूरी कोशिश करेगी कि आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाए। तो इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।